आपने देखा, धर्मराज की बड़ी बेटी कादंबरी संतू को जमीन साफ करने के लिए बुलाती है और वहाँ संतू को पहली बार पता चलता है कि धर्मराज के 5 बच्चे हैं। सौरभ भाई मौके की नजाकत को समझकर धर्मराज को समझाते हैं कि इससे पहले शादी की बात किसी और से पता चले वो खुद ही बच्चों को बता दें। और धर्मराज इस बात से राजी होते हैं। जब धर्मराज घर पहुंचते हैं तो घर के माहौल से समझ जाते हैं कि बच्चों को शादी की बात पता चल चुकी है, पर कैसे पता चली ये नहीं जानते। शादी की बात से धर्मराज और उनके बड़े बेटे हितेन के बीच गर्मा गर्मी होती है और धर्मराज का हाथ उस पर उठ जाता है। अब आगे अब क्या करें, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तू क्या कर सकता था, पर तू एक काम कर सकता है, अपने बाप की शादी को एक्सेप्ट कर ले और अपनी मां को भूल जा। हितेन भाई इनफ, हां, डोंट क्रॉस योर लिमिट, बिहेव योरसेल्फ, डोंट टीच मी, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो, इतने बड़े होकर लड़ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? पापा ने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। भले उन्होंने कोई रास्ता ना छोड़ा, पर मेरे पास एक रास्ता है। कितने क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। मौलिक उसको कुछ समझा। कितने चलेगा तू मेरे साथ? डरपोक है तू, डरपोक, हिम्मत नहीं है तुझे अपने बाप को छोड़ने की, वरना आज तू मेरे साथ चलता, तेरे भाई के साथ चलता। हितेन भाई मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। नहीं कादंबरी, मैं तो इस घर के बाहर कैसे भी मैनेज कर लूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि मुझे मिलने वाली हर तकलीफ का सामना मेरी बहन को करना पड़े। भाई चुतारो, और सूरज और बिरवा का ख्याल सिर्फ तुम्हें रखना है, सिर्फ तुम्हें, ठीक है? चंपाकली, ओ चंपाकली, क्या जैसे हितेन? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अरे गुस्से में कोई घर छोड़ता है क्या बेटा? चंपाकली बाहर जाना जा। है चंपाकली कर रहा है। ठीक है, नहीं छोड़ के जाऊंगा। पर मेरी भी एक शर्त है। वो लड़की जिससे मेरे बाप ने शादी की है वो ये घर छोड़ दे तो मैं नहीं जाऊंगा यहां से, है मंजूर? अपने बाप के सामने शर्त रखेगा तू? आज तक धनराज माहियावंशी के सामने शर्त रखने की हिम्मत नहीं की किसी ने। वो लोग डरते होंगे आपसे, मैं नहीं डरता। अरे सुन तो सही, तुझे हकीकत मालूम है?
किस हाल में शादी की है? अरे सब कारीगर लोग हैं। अरे बात छोड़ो कारीगर कारीगर, आज इनके लिए इनके कारीगर उनके औलाद से बढ़कर हो गए। Leave it, Mr. मायावंशी, छोड़ दीजिए। अगर ये उम्र में इतना ही शौक था तो बाहर चले जाते। समझाओ, ये घर मैंने अपने बलबूते पर बनाया है, अपने बलबूते पर मैंने ये शहर बसाया है, लेकिन आज तक कभी अपने बाप से इस तरह बात नहीं की मैंने। आपके पिता ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जैसा मेरा बाप ने किया है। छोड़ो ना बाबू जी। अच्छा हुआ इसकी माँ चल बसी, वरना बेचारी को ये दिन भी देखना पड़ता। एक बेटा अपने बाप को ही नीचा दिखा रहा है। हाँ अच्छा हुआ, वरना मेरी माँ को भी आपकी नई हरकतें देखनी पड़ती। सुखी दुख हराम खाए। चलो बाबू जी निकल, जा रहा है तेरे को बाहर, जा तू निकल मेरे घर में। दो दिन बाहर रहेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। चल निकल निकल, कोई रोकेगा नहीं इसे। हितिन भाई, जवा दो, जवा दो, जवा दो। हितिन भाई, आप घर छोड़कर मत जाओ। इस सब में मालिक की कोई गलती नहीं है, वो मालिक आपके पिता है। तुम सिर्फ धर्मराज मायावंशी की पत्नी हो और मेरी मां बनने की कोशिश कभी मत करो, कभी नहीं। समझी गई ना? माधव काका की दोहित्री का फोन है, जाओ बुला के। भाभी जी बाहर है। आपके पिता ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जो मेरे बाप ने की है। अच्छा हुआ, वरना मेरी मां को भी आपकी नई हरकतें देखनी पड़ती। बोलो। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, सवेरे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने इस बार आपको अवार्ड देने का निर्णय किया है, उसी के लिए आपको निमंत्रण देना था और सोमिल भाई खुद आपसे। धन्यवाद, पण सोमिल भाई को बोलना कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जय श्री कृष्ण।
मालिक। बोल। वो हितेन भाई घर छोड़कर। कुछ सुना भी होगा तो अनसुना कर देना उसे। ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तारी सलाह नहीं जरूर नहीं मने, समझी गई ना? चल जा, चल जा। कहो नहीं ये तो सुभद्रा और मेरी शादी का एल्बम है, तुझे कहां से मिला? वो पुरानी अलमारी में पड़ा था तो मैं। जा चल। बहुत देर हो गई है, हितेन गुस्से में घर छोड़कर गया है। कहां गया होगा इस वक्त, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो बा, मैं जानता हूं कि हितेन कहां गया है। लो बात करो। कौन? मैं सुरेखा। सुरेखा को फोन लगाया? बेटा हितेन है? हाँ बा। हितेन यहाँ है और उसने मुझे सब बता दिया है। बेटा उसने खाना खाया? हाँ थोड़ा बहुत खाया तो है, लेकिन अभी वो सो रहा है। बा जरा धर्मराज भाई को फोन दीजिए ना, बात करना चाहती है। हाँ बहन। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा कैसा है? मासी का मतलब होता है माँ जैसी, और मेरा बेटा अपनी सुरेखा माँ के पास है। पछी मने कई बात नहीं चिंता था है, चिंता है तो बस उसके मासा की। मासी है ना, तो मासा की क्या चिंता? वैसे भी वो वलसाड़ गए। हितेन ध्यान रख जी बहन, चल मुको, रात बहुत है गई है, जाओ सोई जाओ। पधारो पधारो पधारो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बापूजी। पधारो बिराजो। अचानक कैसे आना हुआ बापूजी? एक जरूरी काम था धर्मराज भाई के साथ। जय श्री कृष्ण सुमन भाई। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। बैसो बैसो। केम छे तबियत भाई? ठीक नहीं, इसीलिए तो आना पड़ा। क्या बात है? पता चला कि आप फंक्शन में नहीं आ रहे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। धर्मराज भाई आपको तो मालूम है ये कितना बड़ा अवार्ड है, और वो भी ये अवार्ड आपके लिए है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमने तो खास इस मौके पर डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को बुला लिया है, और आप कहते हैं कि आप नहीं आएंगे। भाई ऐसा नहीं चलेगा, देखिए आपको तो आना ही होगा। हाँ, और वो भी भाभी जी के साथ। धर्मराज महियावंशी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। कौन? मैं खेमी। कौन खेमी? संतू की बहन खेमी। हाँ एक मिनट। चंपाकली, माधव काका की दोहित्री का फोन है, जाओ बुला के लाओ। संतू, संतू तेरी बहना खेमी का फोन आया है। चंपाकली, भीनबा ने मना किया है,
मैं अंदर नहीं आ सकती। अरे पर मालिक ने खुद कहा है जाओ जाकर संतु को बुला लाओ। मालिक ने कहा? भाई भाभी जी तो साक्षात लक्ष्मी है और इनके कदम भी बहुत शुभ है। भाभी जी अब तो धर्मराज भाई को फंक्शन में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते करो, सौमिल भाई है। नमस्ते। तुम्हारी बहन का फोन है, ले लो। हाँ हाँ संतु, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? हाँ, मैं ना इस वक्त घर पर मेहमान आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। भाभी जी अब आप ये धर्मराज भाई को समझाइए। भाई इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा था ना मेहमान आने के बाद मुझे बुला लेना। जय श्री कृष्ण तारुलता बेन। जय श्री कृष्ण सौमिल भाई। मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि आप आए हैं। अरे ये क्या, आपने कुछ लिया ही नहीं? ऐसे नहीं चलेगा सौमिल भाई। खैर आप जब जिद कर ही रही हैं, तो ठीक है, भाभी जी के हाथों की एक छाछ पिला दीजिएगा। खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ संतु सौमिल भाई के लिए छाछ लेके आओ। हुँ? और उसमें जीरा भी डालना। आइए मालकिन, मैं ले चलूं। धर्मराज भाई, भाई आपको तो मालूम है कि ये कितना प्रेस्टीजियस अवार्ड है। हर साल तो आप इस मौके पर हमारे मेहमान बन के आते थे और इस साल जब अवार्ड आपको मिल रही है तो आप कहते मैं नहीं आऊंगा। सौमिल भाई वो कंसाइनमेंट का काम चल रहा है और देखिए वो कंसाइनमेंट मंसाइनमेंट कुछ नहीं। अरे काम तो आप हर रोज ही कर रहे हैं। हा? आप आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। आज आराम और अवार्ड। नहीं सौमिल भाई देखिए वो सौमिल भाई छास। थैंक यू भाभी जी, माफ करना भाभी जी, शादी में तो मैं नहीं आ पाया था और इसीलिए कोई तोहफा भी नहीं दे पाया था, पर हाँ हमारे परिवार की तरफ से ये छोटा सा भेंट शादी का शगुन मारकर रख लीजिए। ले लो। प्लीज भाभी जी ले लीजिए, ना मत कीजिएगा। धर्मराज भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी। भाई भाभी जी तो साक्षात लक्ष्मी हैं और इनके कदम भी बहुत शुभ हैं। देखिए ना, इनके घर में आते ही आपको अवार्ड मिल गया। भाभी जी अब तो धर्मराज भाई को फंक्शन में लाने की जिम्मेदारी आपकी है।
देखिए सोमिल भाई, ये बस बस धर्मराज भाई, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपको शाम को फंक्शन में भाभी जी को साथ में लेकर आना ही होगा, बस। ठीक है सोमिल भाई, आप कहते हैं तो मैं हम आ जाएंगे। एक मामूली सा कंसाइनमेंट पूरा करने के लिए ऐसी घिनौनी चाल चली मालिक ने कि उस चाल में एक मासूम लड़की को फंसा दिया। और आज तो हद ही कर दी, आज अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। इतनी नीचता तो मैंने किसी इंसान में नहीं देखी है, पाखंडी कहीं का।